फोन अनलॉक करके हम क्राइम बढ़ा नहीं रहे हैं, हम क्राइम घटाते हैं। हम मतलब मिनी स्कर्ट पहन के लड़कियां घूम रही हैं कि भाई ये वाला लोग कैसे आप उस चोर को पकड़ पाओगे। अपना आपको आपके पास अगर कोई काम करवाने आता है तो ये वाला IMEI नंबर आप इसमें। तो नमस्कार दोस्तों, DC मोबाइल सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अजय भाई की मैंने एक वीडियो देखी कल, उस वीडियो में उनकी एक बंदे से बात हुई, जिस बंदे ने एक अपने पुराने कस्टमर का फ़ोन अनलॉक किया था, वो भी 6 महीने पहले शायद अनलॉक किया था, और वो बंदा फंस गया है, उसे पुलिस सेटलमेंट के नाम पर पैसे मांग रही है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इस तरीके के केसेस मार्केट में डेली आते रहते हैं। कोई ना कोई डेली टेक्नीशियन उठाया जाता है और उससे 10-20-50 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले शायद मेरे हिसाब से GSM राकेश के साथ भी यही हुआ था, उनके साथ भी यही समस्या हुई थी कि उन्होंने बहुत पहले कोई फ़ोन अनलॉक किया था सैमसंग का FRP, और वो पुलिस का कुछ उनसे हो गया था मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अभी इस मैं उसके नीचे कमेंट में भी देख रहा था कि भाई यूनियन बनना चाहिए इस चीज़ का। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है भाई, यूनियन बनना ही चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ आपको ई रिक्शा का यूनियन मिल जाएगा, आपको टेम्पो का यूनियन मिल जाएगा, आपको ट्रांसपोर्ट का यूनियन मिल जाएगा, आपको मजदूर यूनियन मिल जाएगा, आपको किसान यूनियन मिल जाएगा, आपको अभी ड्राइवर यूनियन भी मिल जाएगा। आपको ड्राइवरों ने ऐसा चक्का जाम किया था कि उनकी मांगे गवर्नमेंट को माननी पड़ी थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जिसकी जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक छोटा नंबर नहीं है। मेरे हिसाब से 5 लाख से 10 लाख के बीच में टेक्नीशियन बैठेंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये एक छोटा नंबर नहीं है। और दूसरी बात, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो मोबाइल टेक्निक जो मोबाइल इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, उनके लिए वो सर्टिफिकेट के नाम पे क्या देते हो भाई? उसको उस पर क्या बंदा उस पर चाट रख के खाएगा उसको? ठीक है, तो वो आप उसको दे देते हो, उसका वो करेगा क्या आखिरकार यार? जब उस बंदे को आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि भाई ये तेरा काम लीगल है या इलीगल है, तुझे कभी भी पुलिस उठा के ले जा सकती है। ये सर्टिफिकेट तू रख, फिर भी उठा ले जाएगी, नहीं रखेगा फिर भी उठा ले जाएगी। तो इंस्टीट्यूट आप चला रहे हो, आप इलीगल काम सिखा रहे हो, तो फिर भैया उसको फिर आप लीगल बनाओ ना यार। आप आओ आगे, सबसे पहले आप आगे आओ कि हाँ भाई आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अभी वो अपनी सफाई में ये कहेंगे कि भाई हम तो हार्डवेयर को मतलब प्रायोरिटी देते हैं, हम तो हार्डवेयर को आगे रखते हैं, फिर सॉफ्टवेयर का हम थोड़ी जिम्मेदारी इसका लेते हैं, सॉफ्टवेयर तो इलीगल है भैया। हार्डवेयर क्या, अभी मान लो आप हार्डवेयर सिखा रहे हो, बंदे का फोन डेड आया, उसका EMMC खराब है, EMMC चेंज करोगे किस चीज से करोगे? उसको कोई चिमटी पेचकस से थोड़ी उसमें आप प्रोग्रामिंग करोगे, वो सारी चीजें करोगे, वो सॉफ्टवेयर ही करना पड़ेगा। अभी किसी में क्या है कि किसी में नेटवर्क नहीं आया, बेसबैंड अननोन है, उसको किस तरीके से करोगे भैया? टेक्नीशियन अगर है हो ना आप, तो आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही करना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों ही इलीगल है। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या क्या सकते हैं, अभी इस केस में हम क्या कर सकते हैं? अभी एक यूनियन तो बनना पड़ेगा। ठीक है, यूनियन को बनाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, और यूनियन बनाने के बाद चाहे वकील हायर करो चाहे कुछ करो, लॉ बनने चाहिए। ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, सभी जानते हैं क्या क्या काम कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक क्लियर होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। अभी मैं अगर एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हम गवर्नमेंट की हेल्प ही करते हैं, फोन अनलॉक करके हम क्राइम बढ़ा नहीं रहे हैं, हम क्राइम घटाते हैं। क्राइम घटाते क्यों हैं? क्योंकि अभी अगर फोन में लॉक है तो कौन सा फोन आप ट्रेस कर सकते हो? क्योंकि बंदा उसमें सिम नहीं डालेगा, उसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं करेगा, जब तक वो फोन अनलॉक नहीं होगा, सिम नहीं उसमें वर्क करेगी, तब तक कैसे आप उसको ट्रैक करोगे? कैसे उसमें जो पड़ी हुई सिम है उसका एड्रेस निकालोगे? कैसे आप उस चोर को पकड़ पाओगे? तो ये चीजें हैं। और जब इतनी बड़ी मतलब इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी है मोबाइल टेक्नीशियन की, तो गवर्नमेंट को उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बना के देना चाहिए। सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि वो ऑथराइज्ड करे कुछ दुकानों को, ठीक है, वो उनका सर्टिफिकेट वगैरह दे, ऑथराइज्ड करें, और वहां पे वो उन्हें सॉफ्टवेयर दे कि भाई अपना आपको आपके पास अगर कोई काम करवाने आता है तो ये वाला IMEI नंबर आप इसमें डालो, आपको पता लगेगा, ठीक है, फटाफट फोन करो, आओ भाई इनको उठा ले जाओ, इन्होंने फोन चुराया है। ये कितना इजी हो जाएगा, है ना, क्राइम कम होगा,
ये सब। लेकिन इस चीज पे बात करेगा तो करेगा कौन? ठीक है, मैं अकेला बात करूंगा तो नहीं चलेगी, आप अकेले करेंगे, अजय भाई अकेले करेंगे या फिर राकेश भाई अकेले करेंगे तो बात नहीं चलेगी। इंस्टीट्यूट वालों को आगे आना पड़ेगा, हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, एक यूनियन बनानी पड़ेगी, एक वकील हायर करना पड़ेगा। इस चीज़ को हमें अपनी मांगों को लेना पड़ेगा, हमें मांगनी पड़ेगी और हमें ये चीज़ें चाहिए चाहिए। अभी कोई बंदा मेरे यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सर्विस सेंटर पे नहीं जाने वाला, जो काम 500 का हो रहा है वो वहाँ कोई गरीब आदमी जाके वहाँ 10,000 रुपये उस चीज़ का नहीं देने वाला। सर्विस सेंटर पे आप सभी, आप हम सब भी जानते हैं कि सीधा अगर उसमें एक छोटी सी भी कमी हो ना तो वो कह देते हैं भाई मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतने टैलेंटेड बंदे बैठे हुए होते हैं, है ना। तो वो मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, मदरबोर्ड आता है 10,000 का 20,000 का, अब वो मदरबोर्ड बदलवा लो या फिर आप 500 रुपये दे के बाहर सही करवा लो। वो दोनों चीज़ों पे लागू होती है, सॉफ्टवेयर पे हार्डवेयर पे भी गारंटी निकल जाती है, तो वो सॉफ्टवेयर का भी हैवी चार्ज करते हैं। तो इस चक्कर में बंदा बाहर मार्केट में जाके काम करवाता है। तो हम लोगों को गवर्नमेंट को यूज करना चाहिए क्राइम रोकने के लिए, और हम बहुत काम आ सकते हैं इस चीज को कि हम क्राइम बहुत रोक सक मतलब क्राइम इस चीज से बहुत रुक जाएगा। अभी किसी का मर्डर हुआ है, कुछ हुआ है, भाई फोन आया पकड़वा दिया, तुरंत वो बंदा पकड़ जाएगा, है ना। तो हम हेल्प कर रहे हैं ना कि हम क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये बात हमारा कोई एडवोकेट वगैरह रख सकता है, एडवोकेट भी, क्योंकि आप में या फिर कोई और बंदा अपने पर्टिकुलर एक चीज के लिए हायर नहीं कर सकता, उसके लिए यूनियन बननी चाहिए। और यूनियन की बागडोर भी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो कि वो पैसा मिसयूज ना करें। जैसे कि अभी आपने देखा कि एक इवेंट हुआ था दिल्ली में भी हैदराबाद में भी, तो इवेंट में क्या हुआ था कि व्यवस्था बिल्कुल भंग थी, 500 रुपये ले लिए, ठीक है, इवेंट में जाते हो आप, कुछ भी नहीं उसमें मिल कुछ भी मतलब कोई चीज़ उसमें हासिल नहीं होती है। वहाँ पे डांस हो रहा है, आपने कौन सी फिल्म देखी, आपने कौन सा गाना सुना, ये गाना कौन सी फिल्म का है, ये सब चल क्या रहा था यार। आप बस बस हम मतलब मिनी स्कर्ट पहन के लड़कियां घूम रही हैं कि भाई ये वाला माइक्रोस्कोप आप ले लो, ये वाला ये ले लो, ये वाला ले लो, यार उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए थी ताकि आप अपने फील्ड को बढ़ावा दे सको, ठीक है। तो मोटे मोटे लोग हैं वो अपना माल बेच रहे थे, कोई किसी और जो ऐसे टॉपिक्स थे उन पे किसी भी तरीके की बात नहीं हो रही थी, है ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल सामने आनी चाहिए भाई, तो अपनी एक यूनियन बननी चाहिए और उस यूनियन का एक सही से यूज होना चाहिए, क्योंकि यूनियन दोस्तों फंडिंग से चलती है, सबका फंड लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अभी ये जो अजय भाई ने ये बात उठाई है कि भाई यूनियन बनना चाहिए, तो उनको हम ये मीटिंग रखेंगे जो भी यूट्यूबर्स हैं उनसे, जो भी जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं उनसे, तो वो सब मिलके एक इस चीज़ की एक यूनियन बनाएं, ठीक है, और उस यूनियन का हिसाब भी रखें और उसका कोई मिसयूज ना हो, वो यूज़ हो। एक इवेंट रखे जाएं बहुत सारे, ठीक है, जगह जगह कुछ प्रोग्राम्स किए जाएं, तो इस फील्ड को बढ़ावा मिलेगा। और हमारी एक बात आगे रखी जाए कि भाई हम गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको अवॉइड आपको करना चाहिए, आपको फाइनेंस लॉक अनलॉक नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको आई में रिपेयर नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी आपके पास अगर बिल डिब्बा विब्बा है तो भी मत करा करो, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ये कुछ मेरी राय थी, और इसके ऊपर एक ना डीपली बातें होंगी आपको लाइव यहाँ देखने को मिल जाएंगी, आज या कल में मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों से बातें हो पाएं, ठीक है। सारे जो यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनसे लाइव हम देखते हैं, उनके भी चैनल पे आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो इसको हमें आगे मतलब इस जो बात को ना हमें बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है, हमें यूनियन बनानी है। यूनियन ही देखो, आपकी अगर और कोई राय है तो आप बता सकते हो, मैं अजय भाई से भी बात करूंगा, राकेश भाई से भी बात होंगी, और बहुत से जो लोग हैं उनसे बातें होंगी कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इस पे देखें, क्योंकि कोई बंदा फंस जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। वो बंदा कह भी रहा था कि भाई मैं कैसे करूँ बताओ, मेरी EMIs हैं उनको भरना है, मैं कैसे उसको 20-30 हज़ार रुपये दूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, आगे वीडियो आएंगी और इस मामले में हम देखेंगे कहाँ तक हम इसमें जा सकते हैं, ठीक है, और कहाँ तक हम इसमें कर सकते हैं, और कितना हमारे लिए लीगल है, इलीगल है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।